हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के तो अपना अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। कुछ भाई लोगों की कमेंट्स आ रही थी मेरे चैनल पे कि आप अपनी बाइक में जो पॉपो टाइप के हॉर्न होते हैं, जो दो हॉर्न होते हैं, उसमें के हॉर्न इंस्टॉल करवाइए। तो भाई मैंने अपनी बाइक में हॉर्न इंस्टॉल करवाए और मैं आप मतलब करवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये हॉर्न कैसे बजते हैं, इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, और इसको मैं 3-4 दिन यूज़ करके भी दिखाऊँगा कि कैसे बजते हैं, क्या कैसे नहीं। मैं आपको हॉर्न एक बार और दिखाना चाहूँगा। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, पर मैं आपको एक बार पास से भी दिखाना चाहता हूँ। इस पर ये रॉयल जलवा हॉर्न 12 वॉट DC लिखा हुआ है। ये हॉर्न आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऐसे हैं, और मैंने तो इसे शॉप से परचेज़ किया, पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि आप अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में जो भी वो रिले वगैरह वो लगती है, वो मैं आपको इसमें लिंक उसका दे दूंगा, आप उसे अमेजोन से आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके घर के आसपास में कोई भी शॉप हो बाइक मॉडिफिकेशन या काहे की भी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास ये हॉर्न है, मतलब मैं वहाँ मार्केट से लेके आया था आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल कराऊँगा, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ पहले। कुछ भाई लोगों की कमेंट थी तो इसीलिए मैंने कहा मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि क्या कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। और मैं अभी अपनी बाइक में भी इंस्टॉल करवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो चलिए चलते हैं हॉर्न लगवाने के लिए। पर हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स वो हॉर्न लगवाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बाइक में हॉर्न इंस्टॉल करवा लिया है और काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी लगवाने में, और वहाँ पे मैंने शॉप पे इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और लोग अपनी बाइक मॉडिफाई करा रहे थे, और क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ी शॉप है मॉडिफिकेशन की है, और इसीलिए मैं वहीं से मतलब हॉर्न वगैरह लेता हूँ। पर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जाके देख भी सकते हो उस हॉर्न को कि कौन सा हॉर्न है, और आपको अगर अच्छा लगता तो आप परचेज़ करिए। और मैं वहाँ से खैर मैं लगवा के आ चुका हूँ हॉर्न, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम के साथ इसमें हॉर्न लगा है और काफ़ी टाइम लग गया था हॉर्न लगवाने में, क्योंकि जो यहाँ पे इसमें बाइक में मैं आपको पास में दिखाना चाहता हूँ। भाई ज़रा पास में आना एक मिनट। ये आप देख सकते हैं हॉर्न यहाँ पे ये लगा हुआ है एक बाइक में, एक इस साइड में लगा हुआ है, और ये दिख रहा होगा आपको कैमरे में। एक इधर से भाई दिखाना, ज़रा इधर से भाई दिखाना। एक ये हॉर्न है, ये हॉर्न मतलब काफ़ी प्रॉब्लम के साथ लगा, और ये साइड में ये दिया हुआ है हॉर्न। इधर से भाई दिखाना, ये आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये दो हॉर्न लगे हैं इसमें बाइक में, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। उस प्रॉब्लम होने के बाद मतलब हॉर्न लगा, क्योंकि जो इसमें काफ़ी जगह कम होने की वजह से हॉर्न नहीं लगाए थे। पर हाँ, अगर आपके पास सुपर स्प्लेंडर या अदर बाइक हैं, ग्लैमर वगैरह, तो उसमें आगे जगह रहती है, आप आसानी से इंस्टॉल करा सकते हैं। पर इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, पर फिर भी हॉर्न आसानी से इंस्टॉल हो गए, और मैं इसको अभी कम से कम कुछ नहीं तो वही 10-15 किलोमीटर चलाया भी है बाइक को। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हॉर्न अच्छे से बज रहे हैं, और मैं आपको एक बार फिर से बजा के दिखाऊंगा। और पर दिखाने से पहले आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं इसका राइड रिव्यू भी करूँगा, इसको चला के दिखाऊँगा भी कि रात में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, और मैं आपको हॉर्न इसको बजा के भी दिखाता हूँ। फ्रेंड भाई ज़रा पास में आना, भाई ज़रा पास में आना, दिखाता हूँ मैं। ये बाइक मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि पूरी बाइक DC पे है मेरी, इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया बाइक को, और मैं भी आपको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा हॉर्न तेज है कि जो मेरे कैमरामैन भाई है मेरे, उनका वो भी डर गए एकदम से। और हॉर्न की आवाज़ आप देख सकते हैं कितनी लाउड है, फिर से आपको बजा के दिखा रहा हूँ। भाई आप किसी से मत डरना, ठीक है, आपकी से भी हाथ हिल गया, मतलब हॉर्न इतनी तेज है बाइक का, आपको कैमरे में पता नहीं सुनाई दे रहा हो ना सुनाई दे रहा हो, पर मैंने तो अभी बाइक कम से कम 10 किलोमीटर चलाई है, 10-15 किलोमीटर, इसलिए मुझे डर नहीं, वरना स्टार्टिंग में मुझे भी डर लग रहा था। पर और बाकी मैं आपको राइड रिव्यू इसका दिखाऊंगा कि कैसे ये परफॉर्मेंस है इसकी, और दिन में आपको मैं अभी चला के दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आगे आपको। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो मेरे हॉर्न हैं, ये मुझे 350 के हॉर्न थे, और 50 रुपीज़ की वो रिले वाली जो डिब्बी लगती है, उसे शॉप वाले डिब्बी बोलते हैं,
वो मैंने इंस्टॉल करवाई, मतलब इंस्टॉल किया उसके साथ में लगती है, तो पूरी फिटिंग के साथ मुझे 490 यानी कि 500 रुपीज़ के मुझे पूरे पड़ गए थे। तो आप लोगों को अगर ऐसे लगवाना हो तो मैं उसमें लिंक तो आपको दे ही दूंगा, आप उसे उसमें देख सकते हैं जाके। और आपसे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जाके आपको मैंने अपनी बाइक की जो ये पीछे लाइट होती है, भाई ज़रा पास में आना, ये जो नंबर प्लेट लाइट होती है मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाया था, भाई दिखाना जरा, ये लाइट मैंने इंस्टॉल करवाई थी। अगर आपको इसकी भी वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आपको और भी अगर ऑफ रोडिंग से रिलेटेड या फिर टग ऑफ वॉर या कोई भी वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी करें, मैं ज़रूर उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड चलते हैं, आप मिलते हैं आपको इसकी राइड रिव्यू के साथ में कि कैसा हॉर्न ने राइड, मतलब हाईवे और सिटी पे दोनों में इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो चलिए आपको हाईवे मिलते हैं। फ्रेंड फाइनली मैं हाईवे पे आ चुका हूँ और आपको अभी इसको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ बाइक का कि कैसा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ नहीं चलूँगा क्योंकि जो है हॉर्न मतलब मेरा जो माइक है इसमें बाहर की काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो मैं वही 20-25 के बीच में चलूँगा। और मैं अभी आपको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ बाइक का कैसा है। काफ़ी लाउड इसकी आवाज़ है फ्रेंड्स, और आपको तो मैं नहीं सुना सकता हूँ, पर हाँ मैं बता सकता हूँ कि फ्रेंड बाइक की जो हॉर्न की आवाज़ है काफ़ी लाउड है। और अगर आपको भी ये हॉर्न परचेज़ करने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हुआ है इसका लिंक, आप देख सकते हैं और आप इसे मंगा भी सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको फिर से बजा के दिखाता हूँ हॉर्न, और जो आवाज़ एक्स्ट्रा आ रही है उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि हाईवे पे हूँ थोड़ी बहुत तो आवाज़ आएगी क्योंकि माइक लगा हुआ है। मैं आपको हॉर्न दिखा दूँ थोड़ा सा परमानेंट बजा के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है मतलब परमानेंट बजाने पे बैटरी पे या फिर हॉर्न की आवाज़ मतलब कम तो नहीं हो जा रही है। मैं परमानेंट आपको बजा के दिखा रहा हूँ, परमानेंट बजाने पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बाइक पे। तो हॉर्न जैसे मतलब मैंने लगवाया था तो मैंने वहाँ शॉप पे उन्होंने जो भैया थे शॉप वाले उनसे मैंने पूछा था कि हॉर्न लगवा तो रहा हूँ मैं, पर मतलब हॉर्न लगने के बाद बाइक पे मतलब जो बैटरी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि मतलब वो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह ऑन ना हो मीटर वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं मतलब ऐसा कोई भी फॉल्ट इशू नहीं होगा, तो आप ले मतलब आराम से लगवा सकते हैं। तो मैंने उनकी बात पे लगवाया और ये बात सही है कि जो बाइक में कोई मतलब फॉल्ट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे जो भी आप बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।